सभी विजन एक्स अपडेट्स आ चुके 11 दिन बाद वापस। तो अगर आपने चैनल को एक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ऑलमोस्ट हमारे 51,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 52 करवा दोगे सो दैट विल बी हेल्पफुल। एंड अब बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ को लेकर के, जो कि आ रही है यहाँ पे नियो को लेकर के। सो देखो भाई, अभी एक क्लिप निकल के आ रही है जहाँ पे मतलब नियो को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी उनकी स्ट्रीम पे, एंड उनकी टीम को यानी गॉडल को T3 बुलाया जा रहा था, एंड मतलब उनको दिल से डिस्क्वालिफाइड, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि दिल से डिस्क्वालिफाइड, तुम तो T3 टीम हो। तो इस चीज़ पे नियो ने क्या रिप्लाई दिया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। E3, yes bro, we are T3 and we have more achievements than your fucking T1 teams. Yes, we are T3 team. T3 team ने इंडिया को 4 बार बाहर रिप्रेजेंट किया है। Still better than your Hi, मेरे को लगा मेरा स्पॉट गया। आपने देखा अभी नियो ने ये चीज बोली थी कि भैया हम तुम्हारी टीम जैसे सेलिब्रेशन तो नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, ये सोल के लिए कहा गया है या सोल को हेल्दी ट्रोल किया गया है, यहाँ पे टारगेट किया गया है, क्या किया गया है? मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अब बात करें तुम्हारी नेक्स्ट न्यूज को लेकर, जो कि अरे स्नैक्स को लेकर के। तो स्नैक्स ने सारे के सारे हाईलाइट चैनल्स को वार्निंग दी है। सो उन्होंने क्या वार्निंग दी है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ भाई, मैं स्ट्रीम पे बहुत बार बोल चुका, मेरे से पूछे अगर मेरे स्ट्रीम के हाइलाइट्स मत डालना, चाहे वो लोगों की स्ट्रीम हो या चाहे यूट्यूब की हो, मेरे से पूछ के डालो। अगर नहीं डाल रहे पूछे बगैर तो सीधा स्ट्राइक आएगा, फिर बोलना मत प्लीज भैया हटा दो। एंड अभी बात रही थक की, तो यहाँ पे अभी जो गोल्डी भाई लाइव आए थे अभी एक घंटे पहले, तो वहाँ पे एक बंदा उनके मतलब जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे ये चीज़ लिख रहा होता है कि घातक अपने इंस्टा स्टोरीज में थक को टारगेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे गोल्डी भाई क्या कहते हैं अपनी स्ट्रीम पे वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। घातक टारगेट थक इन स्टोरी भाई, घातक टारगेट थक इन स्टोरी। अगर घातक थक का नाम लेके कुछ स्टोरी में बोलेगा तो हम विश्वास करेंगे, वरना कुछ टारगेट नहीं है, कुछ घातक किसी को कुछ नहीं बोल रहा, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपनी जगह खुश है, अपनी जगह खुश है, ठीक है ना। उसको हमसे कोई प्रॉब्लम है ना, हमको उससे कोई प्रॉब्लम। बाद में बीच में जाके ये कमेंट सेक्शन करो न्यूज़ चैनल वाले हाईलाइट के कमेंट सेक्शन, वहाँ गंद मचाओ यार। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मोस्ट बेट। आप सभी को बता भी IPL आ चुका है। सो मोस्ट बेट एक मनी अर्निंग वेबसाइट है जहां पे आप जल्दी से अपना अकाउंट बना के 51 रुपीज का रियल कैशबैक ले सकते हो। एंड ये जो हमारी मोस्ट बेट है वहां पे आप लाइव मैचेस तक देख सकते हो, प्लस यू कैन ऑल्सो गेट 25,000 रुपीज का जो बोनस है ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड इस पे आप मतलब 2,000 रुपीज पर मैच अर्न करने का एक चांस रखते हो। एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर ब्रांडम मैकलम खुद है। सो यार आप अपनी टीम बना सकते हो लाइक ड्रीम 11 एंड प्रेडिक्ट टू विन विद इजी विड्रॉल्स एंड इजी डिपॉजिट्स। सो यार डू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक ऑफ द वेबसाइट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे गोल्डी भाई ने गॉडल के डाउनफॉल के ऊपर भी रिएक्ट किया है। सो उन्होंने क्या कहा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई अन वही कारण है डाउनफॉल। देखो गाइस, डाउनफॉल इज वेरी टेम्पररी फॉर एवरीवन। हमने 2 साल अपनी लाइफ में डाउनफॉल ही डाउनफॉल देखा है, तो कुछ नहीं है। मतलब अभी उनका टाइम ठीक नहीं है, तो टाइम ठीक नहीं था तो थोड़ा सा टीम नहीं वो कर पाए। दे तो ऐसा नहीं है डाउनफॉल, वो तो इतना ईजी नहीं है डाउनफॉल होना, दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड बात करें तुम्हारी नेक्स्ट चीज़ को लेकर के, जो कि अरे भैया कमल जीत बाजी को लेकर के। सो उन्होंने अपना रिप्लाई दिया है यहाँ पे, जो सोल ने टारगेट किया है गॉडल को ऐसे ही मतलब इस चीज़ की स्टेटमेंट पे कि क्या सोल ने मतलब टारगेट किया है गॉडल को। तो इस चीज़ पे कमल जीत भाई ने क्या रिप्लाई दिया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। गॉडल टारगेट लास्ट मैच बाय एसिड ड्यूल, कोई दिक्कत नहीं ब्रो। अरे देखो, अगर ये सब चीज़ से अगर कॉम्पिटिशन कम होता है ना भाई, हम लोग भी किए है, ऐसा नहीं कि नहीं किए भाई, हम भी किए भाई। इसमें क्या है, स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। अंडा मेरे को पता है कुछ कुछ लोग बोले कि भाई तू तो सिर्फ टारगेट कंट्रोवर्सी की न्यूज़ कवर करता है, तो भाई एक पॉजिटिव न्यूज़ भी ले लो भाई ये लो। तो कमलजीत बाजी को एक बंदा थक के रिलेटेड सुपर चैट करता है, एंड बेसिकली वो वहाँ पे सोल को डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है और थक को डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है बेसिकली। तो इस चीज़ में जो हमारे गॉडल के कमलजीत है उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरी चीज़, क्यों नाम किसी का ख़राब मत करो मालूम है? बहुत मेहनत से नाम कमाया रहता है ताकि लोग उस चीज को पहचाने, ठीक है। जो नाम उससे बंदे ने कमाया, मेहनत से कमाया, ताकि आज के डेट पे हर कोई उसकी को याद रख सकता है।
आने वाली जनरेशन भी याद रखेगी, तो नाम को ऐसा मॉडिफाई मत किया करो कि किसी का नाम डिसरिस्पेक्ट हो जाए। एंड आई एम श्योर कि आप थक भाई की बात कर रहे तो अच्छा नहीं लगता कि यू नो किसी का ऐसा नाम खराब करे। बाकी मैं तुमको बोल रहा भाई सब चिल है सब। एंड हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भैया यहाँ पे मान्या वर्सेज हमारी ये जो आईजी गुज्जर का मैटर चल रहा है उसको लेकर के। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये मतलब जो चीज़ थी वो मतलब डिटेल में कल न्यूज़ चैनल पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट अभी इस वाले मैटर पर अपडेट्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि मतलब यहाँ पे मतलब एक चैनल पर POVs वगैरह डाले जाते थे जी के द्वारा, जिसमें से एक एलिगेशन ये लगाया गया था कि वो POV एडिटेड डल रहे हैं, यानी वो एडिटेड POV इंटेंशनली डाले जा रहे हैं कि मतलब हैक्स वगैरह वहाँ पे देख ना पाए। लाइक पूरे POV में भैया ऑब्वियस सी बात है वो प्ले स्टोर खोल के या ऐप स्टोर खोल के दिखाएंगे, बट फिर वो बीच में कट हो जाता है POV, तो उसलिए मतलब एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं। सो ये सब सीन हुआ, फिर IG गुज्जर ने वगैरह स्टोरीज वगैरह डाली। सो इसके बाद जो हमारे मायावी है उन्होंने अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मतलब IG गुज्जर को मैसेज किया एंड मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन दी, आप पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बेसिकली इसमें ये चीज़ लिखा था कि जो दो मैचेस के जो हमारे यहाँ पे दो मैचेस के POV डाले गए थे वो मतलब इंटर मर्ज वगैरह हो गए थे एंड इंटरचेंज वगैरह हो गए थे, ये यहाँ पे मायावी की मतलब एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पे IG गुज्जर ने नीचे ये चीज़ लिखी है कि ये देखो बाना इसका सब डैश इसके साथ ही होती है। एंड फिर इसके बाद जो जी के ओनर है रुशिंद्र, उन्होंने IG गुज्जर को मतलब बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बेसिकली मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वहाँ पे उनको डिफेमेशन की केस की वार्निंग दी है जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसलेस एक्यूजेशंस एंड ऑल। अगर आपको पढ़ना हो उनका मैसेज रुशिंद्र का पॉज करके पढ़ लेना वीडियो को। एंड जो नेक्स्ट स्टोरी थी वहाँ पे मतलब IG गुज्जर ने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया है कि भैया मैंने आपको कभी मेंशन वगैरह नहीं किया था एंड मतलब ये जो बात रही डिफेमेशन की तो मायावी ने ये चीज़ कही थी कि मैंने उसकी मॉम को अब्यूज़ किया है बट मैंने नहीं किया था, सो आप पर भी डिफेमेशन केस हो सकता है। एंड मतलब हमारी ये जो IG गुज्जर है उन्होंने अपने काउंटर पॉइंट्स रखे हैं। सो आपको क्या लगता है ये लीगल केस डिफेमेशन केस ये मतलब जायज बात है या मतलब ये गलत बात है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ बात कर ले तुम्हारी नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के, अब मेरे को नहीं पता ये फनी है या सीरियस है भाई, बट आप सभी को पता है थारा भाई जोगिंदर कौन है। सो उन्होंने अब स्काउट को वार्निंग टाइप सी दे दी है। सो अभी मतलब आप सभी को पता होगा स्काउट डिस्कॉर्ड की मीम्स पे रिएक्ट करते रहते हैं, सो वहाँ पे एक जोगिंदर का मीम आ जाता है, मतलब स्काउट ने उस पर रिएक्ट किया था। तो वो ओनली क्लिप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, फिर आपको मैं जोगिंदर का भी उस क्लिप पर रिएक्शन दिखा दूंगा। अरे भाई ये तो बहुत गाइस यहाँ देखो ये जो हुआ है बहुत गलत। बच्चा बोल रहा कि भेज दी चाइल्ड अब्यूज फक भाई कुछ भी भाई। और फिर इसके बाद इधर थारा भाई जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम में इस चीज़ के बारे में कुछ स्टोरी दिया है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट टाइम गाली मत दे देना। तो इसमें मतलब अभी जो हमारे थारा भाई जोगिंदर है उन्होंने मतलब यहाँ पे स्काउट की क्लिप को मतलब वही डाला और वहाँ पे ये चीज़ लिखी कि नेक्स्ट टाइम गाली मत दे देना नहीं तो यूट्यूब चलाना ही भूल जाएगा, सोते हुए शेर को मत जगा। देख लो भाई मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ कि मतलब भाई के मतलब इमोशंस कैसे थे बोलते हुए। सो बेसिकली ये सब सीन हुआ कि मतलब थारा भाई जोगिंदर ने स्काउट को वॉर्न कर दिया है। सो आप लोग के सोचते इस बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना भैया, फनी था सीरियस था क्या था या मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्सी वाला सीन है या क्या है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट एंड साइनिंग आउट।